हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द हेडलाइन न्यूज जो कि 26 अप्रैल 2023 है। इसमें देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का अगर आपको पीडीएफ चाहिए, नीचे गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए गए हैं, वहाँ से जाकर के आप टेलीग्राम से जो कि पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगी। इसके साथ ही जो हम डिस्कस करते हैं ये करंट अफेयर स्टैटिक्स कंटेम्पररी इशू के साथ होता है डिस्कशन, और उसके बाद और ये जो हमारा डिस्कशन होता है वो जो न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू होता है, जिसको सभी लोग मानते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और हर एक जागरूक सिटीजन्स होने की वजह से आपको कोई ना कोई एक न्यूज़पेपर प्रॉपर फॉलो करना चाहिए, ये मेरा मानना है। न्यूज़पेपर इसलिए नहीं फॉलो करना चाहिए कि नहीं आपको एग्जाम दे रहे हैं, इसलिए भी फॉलो करना चाहिए कि आप अवेयर रहें, अपडेट रहें और आप चीज़ों को समझ सके क्या सही है क्या गलत है। 2 दिन 4 दिन पढ़ करके आप चीज़ों को एनालिसिस नहीं कर सकते। सपोज करिए कि 12 से 14 पेजेस की न्यूज़पेपर होते हैं और मैगजीन्स जो आती डेली का होता है, मतलब 20 से 25 पेजेस का होता है, और महीने का आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 1000 पेजेस के आसपास हो जाएंगे न्यूज। और आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि जो करंट अफेयर्स होते हैं वो जो है कि आप मैगजीन मंथली से जो कि कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस मतलब ये है कि जो न्यूज़पेपर होता है करंट अफेयर्स, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कि मैगजीन बनाती हैं वो 2 सोर्सेस होते हैं। उनके पहला सोर्स तो न्यूज़पेपर ही होता है, दूसरा सोर्स होता है जो गवर्नमेंट का होता है सोर्स, वहाँ से होता है वो कर लेते हैं। अगर हम न्यूज़पेपर और गवर्नमेंट के सोर्स स्पेशली प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो होता है उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा हमारे लिए कि हम अपडेटेशन में रहें। मेजर चीज़ों को हम डिस्कस करें और मेजर चीज़ों को सीखने की कोशिश करें, नई चीज़ों को, ये नहीं कि बस ये कोई फैक्ट्स आया हुआ है उसको लेकर के हम जो कि डिस्कस करें। सपोज जैसे होता है कि लोग यही करेंगे ऑपरेशन कावेरी जो चलाया गया वो सूडान से जो कि लोगों को लाने के लिए चलाया गया, लेकिन हम यूपीएससी या सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन करते हैं इसको 360 डिग्री से एंगल से देखते हैं। पहला पहला जो ये सूडान में हुआ है वो किस क्या चल रहा है, किसके किसके बीच में जो कि ये वार चल रहा है, इसके बाद कौन है वहाँ पे जो कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी है क्या, वो उसका क्या नाम है। जैसे हमने हक्की पक्की के बारे में किया था कि बर्ड कैचिंग का नाम है जो कर्नाटका स्पेशली पाए जाते हैं, इसके साथ और भी कंट्री उसमें हो इन्वॉल्व हैं कि नहीं है। इसके बाद जो रूट अपनाया जा रहा है वहाँ से इवैक्यूएशन के लिए लोगों को वहाँ से लाने के लिए कौन सा रूट है, सी रूट है और एयरलाइन का जो रूट होता है उसके, मतलब हवाई जहाज से और जो पानी की जहाज होती है उससे लाया जाता है। तो ये तो दोनों दो साधनों के लिए, रूट क्या है मतलब किस रास्ते से लोग जा रहे हैं, अरेबियन सी से हो के रेड सी में जा रहे हैं, रेड सी के बाद जो है कि आप जाएंगे तो वहाँ पे सूडान का जो कि टेरिटरी लगती है, हाँ सूडान की मैं बता यहाँ पे देख रहा हूँ मैं आपके साथ, आप देखिए मैप है मेरे साथ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप पा जाएंगे ये इंडिया है, यहाँ से ये रूट से जाते हैं सी में, फिर यहाँ पे जो सूडान है सूडान में ही एक जो पोर्ट है सूडान पोर्ट है वहीं से जो कि इवैक्यूएशन किया जा रहा था। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो किस तरह से पूछ सकता है कि जो इंडिया ने रूट अपनाया था उनको खाली कराने के लिए कौन सा था, वो अरब सी के गए थे, रेड सी से गए थे या फिर मेडिटेरियन सी से, कौन से पोर्ट का भी यूज किए थे, सूडान पोर्ट था किन पोर्ट था, सूडान से करे तो सूडान पोर्ट ही था। लेकिन कुछ लोग ज़्यादा दिमाग लगा सकते हैं सूडान किसी कंट्री के नाम पे कौन पोर्ट बनाता है, तो ऐसा कोई हार्ड एंड कोर रूल नहीं है इंडिया में, नहीं है कि इंडिया पोर्ट ऐसा नहीं है, मुंबई पोर्ट है, कांडला पोर्ट है, चेन्नई है, हल्दिया है, पारादीप है, ये सारे पोर्ट्स हैं इंडिया के। तो ये जो कि हमने ऐसे इस हिसाब से हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद अगर मैं दूसरी आर्टिकल की बात करूं तो इसमें देखिए जीरो शैडो जोन क्या होता है, जीरो शैडो जोन इन द सेंस कि अभी देखिए साल में हर प्लेस में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में एरिया पड़ जाता है, उसके बीच में साल में हर साल हर प्लेस पे 2 बार होता है, ठीक है। हालांकि अगर रांची आपसे पूछता है कि वहाँ पे शैडो जोन बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में पड़ता है ना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में पड़ जाता है, तो इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। स्पेशली पेपर में मेंशन किया गया, बट रत्ती भर का जो है कि डिफरेंसेस है वहाँ पे कि जो रांची है मतलब कि जो झारखंड की कैपिटल है वो बस थोड़ा सा मतलब 0 point something डिग्री जो कि नॉर्थ में हो गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दैट्स वाई नॉट पॉसिबल। अब हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि जो ये शैडो जोन बनता है क्यों बनता है, जब शैडो जोन का मतलब क्या है कि अगर आप खड़े हो जाइए ना तो सूर्य की परछाई से जो लाइट से जो
परछाई बनती है वो कभी नहीं, मतलब जब ना बने एकदम जीरो हो, मतलब एकदम ना बने, जितना आप खड़े हो उतने ही पे रहे, तो उसको जीरो शैडो जोन के अभी जो कि बेंगलुरु में देखा गया है, तो उस हिसाब से जो कि ये साल में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में साल में 2 बार बनते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? जब सन उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, उत्तरायण मतलब दक्षिण से उत्तर की तरफ आ रहा हो, दक्षिणायन का मतलब होता है उत्तर से जो है कि दक्षिण की तरफ जा रहा है, ऐसा कब होता है? देखिए जब वो उत्तरायण होगा, ठीक है, तो मतलब ये क्या है कि समर का मतलब है कि मतलब ठंडा से गर्म आ रहा है, जब दक्षिणायन होगा तो ये मतलब गर्मी से ठंडी आ रही है, तो ये चीज़ें हमें याद होना चाहिए। यूपीएससी ऐसे ही कई बार क्वेश्चन पूछ चुकी है प्रीलियम्स में कि मतलब कौन सा ऐसा मंथ होगा कि जिसमें नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे बड़ी रात होगी, और सीडीएस में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ऐसी कौन सी प्लेस है जहाँ पे 6 महीने दिन 6 महीने रात होता है और उसमें समय देखें। तो जियोग्राफी का मतलब अगर आप समझने की कोशिश करें, जब तक आप विजुलाइज नहीं करेंगे चीज़ें को समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ज्योग्राफी आप अगर इमेजिन करना शुरू कर दिए कि नहीं, आंख बंद कर रहे हो, आपके दिमाग में ये आ जा रहा है, ऐसे आंख बंद कर लीजिए, अच्छा ये इंडिया है, इंडिया के लेफ्ट साइड में ये जो कि पाकिस्तान है, फिर जो कि आपका ये पड़ जाता है अफगानिस्तान, फिर चाइना पड़ जाता है, फिर नीचे आते तो नेपाल पड़ जाता है, फिर भूटान पड़ जाता है, फिर म्यांमार, फिर बांग्लादेश, फिर जो कि ये पड़ जाता है क्या बोलते हैं आपका श्रीलंका पड़ जाता है, फिर ऐसे ही फिर आप आँख खोलिए, फिर उसके बाद आँख बंद करके फिर देखिए अच्छा ये इंडिया है, ये यहाँ, और ऊपर जाएंगे तो चाइना पड़ जाएगा, और ऊपर जाएंगे मंगोलिया, और ऊपर जाएंगे तो रसिया पड़ जाएगा, अच्छा रसिया के इस साइड जाएंगे पश्चिम की तरफ तो हमें यूक्रेन पड़ जाएगा, ये सारी आँख बंद करिए, सारी चीज़ें आपको जो कि हो जाएगी। जैसे इस समय सेंट्रल एशिया जिसे SCO के बारे में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, इस समय एकदम न्यूज में है, मतलब पिछले 15 दिन से मैं देख रहा हूँ कि हमेशा न्यूज में, हमेशा न्यूज में है। तो मैं अभी जल्दी ही कभी ये मौका मिला तो मुझे, मैं मैप के थ्रू जो कि उसको डिस्कस करूंगा कि कौन सी कैपिटल है, कौन से इंटरनेशनल बॉर्डर किससे लगती है, उसको जरूर मैं डिस्कस करने वाला हूँ सेंट्रल एशिया के लेकर के। आज भी सी राजा मोहन सर ने इंडियन एक्सप्रेस में ये एक आर्टिकल लिखा हुआ है SCO को लेकर के, SCO किस तरह से रोल प्ले कर सकता है एक ऑब्जेक्शन के रूप में, और ये कितना ही इंपॉर्टेंट है इंडिया चाइना और रसिया के लिए। जब इंडिया और चाइना के बीच में टसल चल रही है और रसिया और इंडिया, इंडिया और रसिया के बीच में दोस्ती है और इंडिया और रसिया के बीच में भी दोस्ती है, लेकिन अगर रसिया को चूज करना हो इंडिया और चाइना के बीच में तो किसको वो ज़्यादा प्रेफरेंस देगा? लेकिन लोग इंटरनेशनल रिलेशन में न्यूट्रल रहते हैं और कोई देश किसी के ऊपर प्रेशर भी नहीं डालता, तो आप जो है कि एक हार्ड एंड कोर जो कि डिसीजन लीजिए, राइट। तो ये डिस्कशन हमने किया, फिर इसके बाद एक बड़ा ही मतलब एक आप बोल सकते हो कि ये बड़ा ही कंस्ट्रक्टिव मतलब आर्टिकल आया हुआ है, बहुत अच्छा लगा है मुझे कि देखिए रिफॉर्म जो होता है ना दो तरह से किया जा सकता है, एक तो आप इंटरनल इंटरनल हो कि और एक एक्सटर्नल होकर के, एक्सटर्नल इन द सेंस कि आप मूवमेंट करिए, प्रेशर करिए, प्रेशराइज करिए गवर्नमेंट के ऊपर, एक तो है कि आप अंदर रह करके जो कि गवर्नमेंट किसी गवर्नमेंट उसमें रिफॉर्म करे लॉ के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए कि अन्ना हजारे का मूवमेंट चला था, आर्टिकल में मेंशन भी किया गया है, तो अन्ना हजारे का मूवमेंट किससे रिलेटेड था? वो जो लोकपाल लाना था उससे, लेकिन वो इंटरनल नहीं था, वो एक्सटर्नल था, वो बाहर से प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डाले। उनमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया गया था अर्जेंटा में, जो संघ परिवार है उसका रोल बहुत अच्छे से प्ले किया, उसने अभी एक बार नहीं, उसने पिछले इतिहास में 2 से 3 बार में रोल प्ले किया था इस तरह की एक्टिविटी। वो बिलीव ऐसा आर्टिकल के हिसाब से 1000 के जो मैं समझा हूँ कि नहीं, उसका यही स्टैंड है कि थोड़ा सा आउटसाइड से होकर के किसी चीज़ों को काम किया जाए। जब वो रहती है मतलब अपोजिशन में, जैसे मान लीजिए कि जब जयप्रकाश नारायण का कंप्लीट मूवमेंट चला हुआ था तो आपको पता होगा, उसी के बाद जो कि उन्होंने जो जयप्रकाश नारायण थे वो बिहार से बिलोंग कर जेपी मूवमेंट बोला जाता था, सोशलिस्ट मूवमेंट के हिसाब से चला था, वो समझिएगा गुजरात में एक मूवमेंट छोटा सा चल रहा था, लेकिन वो बिहार का मूवमेंट जाके उससे कनेक्ट हो गया और पूरे इंडिया नेशनल लेवल का जो कि एक बन करके मूवमेंट निकला, ठीक है। और वो मूवमेंट इतना मतलब पिक पे चढ़ गया था यहाँ पे कि अगर मुझे लगता है कि इस समय होता तो उनको बता रहा हूँ कि उम्र कैद मतलब कुछ भी हो सकता था उनके साथ, बट उतना उनको जेल वेल में ही बस डाला गया, ज़्यादा कुछ हुआ हो नहीं पाया। उन्होंने इतना तक कर दिया कि आर्मी को अब अपने पास हाथ में जो कि पावर ले लेनी चाहिए, इतना तक कर दिया। समझ सकते हो कि एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के फ्रेमवर्क में अगर आप इस तरह के वर्ड यूज करते हो तो कहीं ना कहीं जो कि ये घातक सिद्ध होगा,
ठीक है। तो लेकिन नहीं, लोगों की किया गया, जब ये इस तरह के बयान आने लगे तो गवर्नमेंट जो उस समय थी इंदिरा गांधी की, तुरंत नेशनल इमरजेंसी इंटरनल इंटरनेट डिस्टरबेंस के बेसिस पे ले लिया। भले लोग चाहे जितना क्रिटिसिज्म करें, कुछ चीज़ें तो गलत हुई इमरजेंसी के दौरान, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई, बट जो लोग नहीं समझते हैं अच्छे से, तो वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ला करके इमरजेंसी को कर, समझ सकते हो कि अगर इस तरह का मूवमेंट चला और उसी मूवमेंट में एक तरह के आग में घी डालने का काम कर दो, मिलिट्री को जो कि कहते हैं एक तरह के मिलिट्री रूल इस्टेब्लिश करना, ये कतई नहीं जो है कि मतलब गंवारा है कि आपकी आप जो कि उस तरह की एक्टिविटी करिए। तो ये बहुत अच्छा मोमेंट, मतलब ये आर्टिकल लिखा हुआ मतलब दिल को छू जाने वाला आर्टिकल है। फिर उसके बाद मतलब दो एक और आर्टिकल हैं, उसमें उतना रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ, जब आएगा चीज़ें तो सारी चीज़ें जो फैक्ट्स पढ़ा हूँ तो वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाएंगी। तो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद चलते हैं वहाँ पीडीएफ के थ्रू जो कि डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए कि जो रेसलर है जो ओलंपिक में मेडल ला रखे हैं, उन लोगों का कुछ ये इस तरह का ना मतलब एलिगेशन है कि जो फेडरेशन के, ये यहाँ पे फोटो आप देख सकते हो, ये जो हैं ठीक है, एमपी हैं बीजेपी के, ब्रिजभूषण शरण करके हैं, इनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया कि वो कहीं ना कहीं ह्यूमिलिएट और मतलब सेक्सुअली हरासमेंट जैसी चीज़ें थे। प्रोटेस्ट चल रहा है बीच में काफ़ी चल रही। फिर इसके बाद देखिए काफ़ी अनफॉर्चुनेट जो कि इंसिडेंट हो गया है, ये प्रकाश सिंह बादल सर हैं, काफ़ी मतलब ये 91 के आसपास, हाँ 95 ईयर के हो गए, मैं तो कम ही बता रहा हूँ, उनकी डेथ हो गई। काफ़ी अच्छा है जो कि इन्होंने रोल प्ले किया था इंडियन पॉलिटिक्स में। फिर देखिए ये जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, इन्होंने मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर के काफ़ी अच्छे मतलब चीज़ें बोला है। इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट अगर ये कर देती ना, समझिए कि बहुत बड़ा वो होगा कि दिक्कत हो जाएगी। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, अपने जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिस्कस करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस आज सबसे पहले हमने ओपन कर लिया है। देखिए होता है क्या कि नेक्स्ट आर्टिकल पे है, नेक्स्ट टूरिज्म डिपार्टमेंट हेरिटेज ट्रायल हंटेड मॉन्यूमेंट इन द सिटी को लेकर के है, प्रोटेक्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आप दिल्ली का ये मैप देख सकते हो कि किस तरह से ये दिल्ली का मैप ड्रॉ किया गया है, ठीक है। फिरोज शाह कोटला है, भूली भाटी यारी है, फिर मलचन मंडल है, तुगलकाबाद फोर्ट है, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद अभी एक हिसाब से ये लगा है, जैसा कि टर्की में मतलब अर्थक्वेक देखने को मिला था, वैसा हो सकता है कि इंडिया में भी देखने को मिल सके, दिल्ली में जो कि, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं क्योंकि ट्रांजेक्शन पे बसा हुआ। केरला डिटैच टी से डिलीटेड, अभी बात चल रही थी ना कि NCERT जो कुछ डिलीट कर दी है पोर्शन, तो अब केरला का क्या कहना है कि अब वो जो डिलीट कर दिया गया है पोर्शन वो उसको पढ़ाएगी। ये बात सही भी है कि आप चीज़ों को NCERT में ही बदलेंगे ना, जो एडुकेशन सिस्टम है वो तो दो पार्ट में है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का है, एक स्टेट गवर्नमेंट का जो स्कूल से चलता है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ से डिलीट कर दे रहे तो स्टेट गवर्नमेंट जो है कि वो तो एडिशन करके अपने स्टेट बुक्स में कर सकती है। जैसे हम लोग UPSC में क्या करते हैं, एक तमिलनाडु पब्लिकेशन की मॉडर्न अरे हिस्ट्री के रूप में पढ़ते हैं, इंडियन हिस्ट्री एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न, बहुत अच्छे से मतलब उसको हम लोग जैसे NCERT फॉलो करते हैं वैसे वो उसमें करते हैं। लेकिन उसके उसके मतलब जो मतलब टॉपिक से अलग अलग है, अगर केरला पढ़ाएगा तो फिर क्या, फिर यूपी भी पढ़ाए तो उसमें डिलीटेड टॉपिक है, जैसे डिलीटेड मतलब जैसे मान लीजिए कि गांधी को किसने मर्डर मतलब मार दिया था, फिर उसके बाद जो कास्ट सिस्टम वर्ना सिस्टम था, वुमेन जो एक्सप्लोटेशन थी, ये सारी चीज़ें को डिलीट कर दिया गया। ऐसा है अभी, जब तक तो अभी मैं भी नहीं पढ़ा हूँ एग्जैक्ट उस NCERT को, जब पढ़ लूँगा तो आपके साथ और भी, क्योंकि मैं जब तक फैक्ट्स नहीं करूँगा, बस एक तथाकथित कही गई चीज़ों के आधार पर बस आपको बस जिक्र कर दे रहा हूँ, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है मेरा। फिर इसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट है द पावर टू लेजिस्लेट, हाउ टू हाउ फार कैन कोर्ट गो। इसके बाद देखिए, अब अगर कोर्ट को कुछ रूल बनाना है, कोर्ट की कैसे फंक्शन करे, तो वो पार्लियामेंट के पास पावर है, वो जो है कि फॉर्म कर सकती है। फिर इसके बाद देखिए कर्नाटका, केदारनाथ, केदारनाथ हमें पता है कि ये जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, ये आपको मैपिंग की क्लास के लिए काफ़ी बेटर है, वो कर लीजिए। अभी देखिए कार्डियो पॉलिड फेलियर की वजह से जो सेकंड चीता की जो मौत हो गई थी कूनो कूनो नेशनल पार्क में, ये जो कि बताया जा रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल SEO को लेकर के, देखिए काफ़ी सी राजा मोहन सर ने लिखा, यूरेशिया की किस तरह से रोल प्ले कर सकता है पराडक, ये हमने डिस्कस किया। फिर इसके बाद ब्रेन इकोनॉमिक चैलेंज को लेकर के, अभी देखिए ब्रेन इकोनॉमिक क्या है, अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब IT सेक्टर मतलब टेक्नोलॉजी काफ़ी इनोवेट हो रही है ना, तो वो किस तरह से जो है कि लेबर मार्केट और कैपिटल और फिर स्किल पे काम जो कि करेंगी। जैसे
फिर लेबर जो है फिजिकल लेबर वो जो कि बाहर हो जाएंगे, जहाँ 100 लेबर काम करते हैं वहाँ एक ही मशीन जो कि काम कर देगी, ठीक है। उसके बाद इसमें लेबर में क्या होता है, अगर वो स्किल्ड उनकी कम होती है ना तो वो काम चल जाता है, चलो छोक करके जो कि 2 4 महीने 1 साल में सीख लेते हैं, लेकिन जो ये मशीन आ जाएगी तो ये हाई स्किल्ड होती है, तो ऑटोमेटिक जिनको मिलना मिल रहा था वो भी चढ़ गए, जिनको नहीं मिल रहा था उनकी तो बात ही छोड़ लीजिए, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद देखिए कोलार जो कि कर्नाटका में पड़ता है, वहाँ पे लेके नंदी अमूल के बीच में, जो कि नंदी भी एक तरह के मिल्क प्रोडक्ट है और अमूल तो है ही नेशनल लेवल का। फिर उसके बाद देखिए ऑपरेशन कावेरी जो चलाया जा रहा है, वहाँ से एवैक्यूएशन लेके सूडान पोर्ट से जो कि किया जा रहा है रेड सी के थ्रू जो कि जाए जाएंगे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, साइड जीरो साइडो जोन को लेकर के यहाँ पे जो बात कही गई है, यहाँ पे देखिए दो चीज़ें यहाँ पे होती हैं, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ 23.5 के बीच में जो एरिया पड़ जाता है, जैसे मान लीजिए कि ये सॉरी मैं थोड़ा सा अच्छे से इसको नहीं बना पाया, 1 सेकेंड, ओके। अब जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से सर्कल बना दे रहे हैं, ठीक है, ये अर्थ हो गया। फिर इसके बाद थोड़ा सा कलर कलर रहने देते हैं, अब मान लीजिए 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, 23.5 ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। फिर उसके बाद ये जो कि ट्रॉपिक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, 23.5 डिग्री जो कि साउथ में है, इसके बीच में ये जो एरिया पड़ जाती है, इसके बीच में 1 ईयर में ना 2 बार हर प्लेस पे जीरो शैडो जोन जो कि बनता है, आपको पता हो जाना चाहिए। इसमें एक बार उत्तरायण होता है, ये देखिए कि आपका साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। जब जब इधर से साउथ, 1 सेकंड थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ तो और बेटर हो जाएगा हमारे लिए थोड़ा सा। अगर देखिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से अगर इस तरफ जा रहे हैं तो इसको उत्तरायण बोलते हैं, अगर जब ये इस तरफ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से उत्तर से दक्षिण की तरफ है दक्षिणायन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये चीज़ें थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे देखिए ये क्या, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आर्टिकल हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी देखिए ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन लिनो एमंग द अदर आर रिस्क। अब देखिए ग्लोबल, अभी ये जो फाइनेंस मिनिस्टर का कहना, हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से लोग भाग जाते हैं, कोई चीज़ें अगर अच्छी होती हैं गुड होती है ना तो ये अपनी पीठ थपथपाते हैं खुद से, अगर कोई चीज़ें अनफेवरेबल हो जाते हैं ना तो वो जो है कि क्लाइमेट चेंज को ब्लेम कर देंगे या फिर वेस्टर्न थॉट्स के ऊपर जो कि थोप के चले जाते हैं। अब हम द हिंदू में देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, सूडान को लेकर के देख लीजिए जो हमने अभी डिस्कस किया, फिर ये रेसलिंग को लेकर के जो है ब्रिजभूषण शरण इनका जो ब्लेम किया गया है उसमें अंगेंस्ट में किया जा रहा है उसका है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 सेकेंड देख लेते हैं, थोड़ा सा बफरिंग कर रहा है ना, थोड़ा सा आप लोग वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब हेजिटेट मत करिए, आने वाले समय में सारी चीज़ें सही कर दी जाएंगी। हाई कोर्ट ए क्लियर द अडेक द डिफॉर्मेशन शूट इन द सबरीमाला। सबरीमाला एक टेम्पल है जो कि पड़ जाता है आपका, मद्रास हाई कोर्ट ने ऐसा जो कि वर्डिक्ट दिया है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल पे अगर देखते हैं तो ये सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक तो कवर द डिलीटेड पार्ट, हाँ ये भी चाहिए। देखिए कुछ क्या चीज़ें हैं ना कि अगर आप कुछ टेक्स्ट बुक में अगर डिलीट कर देते हो तो आप जो रेफरेंस बुक होती हैं या सप्लीमेंट्री बुक होती हैं उनमें से तो लोग पढ़ ही लेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ, आप चलिए NCERT से आप जो है कि इसको डिलीट कर दीजिए, बट जो बिपिन चंद्रा की है, फिर RC गुहा की बुक है, फिर उसके बाद रोमिला थापर मैम की जो है, ये सारे शर्मा सर की, RS शर्मा सर, वहाँ से तो पढ़ी जाते, बहुत से ऐसी बुक है वहाँ से सोर्स पढ़ कर लेकर पढ़ जाते, जो पर्सनल बुक आइडियोलॉजी बेस पे लिखे तो वहाँ से तो पढ़ा जा सकता है ना, फिर तो आप डिलीट करके क्या कर लेंगे। और फिर उसके बाद ये जो आर्टिकल है, यहाँ पे 1 सेकंड थोड़ा सा बफरिंग कर रहा है, ये अभी ओपन हो जाए, हाँ देखिए एकदम ऑर्डिनरी पॉलिटिक्स को लेकर के है यहाँ पे, जो कि देखिए गुजरात में एक मूवमेंट हुआ 1971 में जो कि वहाँ से हुआ, फिर उसके बाद सेकंड हुआ अयोध्या मूवमेंट हुआ था, फिर तीसरा जो कि ये मतलब आप बोल सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरह की जो कि काम करती है। उसके बाद देखिए जो हम इंडियन नेशनल मूवमेंट में पढ़ते हैं, एक तो लेजिस्लेचर के अंदर काम चल ही रहा था, तो ऊपर से जो है कि बाहर से जो गांधी का मूवमेंट चल रहा था, जो जैसे मान लीजिए कि NCM नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में चला, फिर CDS चला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में चला, फिर क्यूट इंडिया मूवमेंट चला, आंदोलन चला, ये सारे सत्याग्रह चले, ठीक है, लेकिन अंदर से भी रिफॉर्म हो रहा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1901
और 9th हाफी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, मतलब कहने का मतलब रिफॉर्म कई डायरेक्शन से लाया जा सकता है। और लेकिन मेरा ये मानना, मेरा पर्सनल मानना है कि जो लेजिस्लेशन के थ्रू आता है वो भी सही है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट जो है ना ये तो सपोर्ट करती थी आउटसाइड, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली जो है कि चीज़ों को रिफॉर्म करने के लिए। अब प्रेजेंट टाइम में अभी ये जो इस चीज़ों को ना टॉलरेट नहीं कर रही है, खुद उसमें शामिल थी अब नहीं कर रही। जैसे बहुत से एनजीओ हैं जो कि वो एनजीओ के प्रेशर ग्रुप में के रूप में जो कि आए, फिर उसके बाद पोलिटिकल रूप में बन गए और गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डाले। फिर उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल कावेरी को लेकर के जो, अरे ऑपरेशन कावेरी को लेकर के है जो सीज फायर हुआ है उसको जो कि इसमें डिस्कस किया गया है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, टेम्परेचर एनोमली। टेम्परेचर एनोमली का मतलब मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या होता है, बस उतना ही मतलब। जैसे जनरली क्या होता है, ये मान लीजिए कि वर्टिकल है, ये हॉरिजेंटल है, ठीक है, ये हॉरिजेंटल है। हॉरिजेंटल क्या है कि जैसे जनरली होता है क्या ना, कि एक सेकंड थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, जब हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं ना तो ये क्या होता है कि 165 सेंटी मतलब मीटर के बाद 1 सेंटीग्रेड जो कि टेम्परेचर डिक्रीज होता है, इसको इन्वर्सल के रूप में जाते हैं। लेकिन यही जब डिक्रीज होने की बजाय बढ़ने लगे ना तो इसको एनोमली के नाम से जानते हैं, ये इंक्रीज हो, जैसे अल्टीट्यूड इंक्रीज हो और टेम्परेचर भी इंक्रीज, इस तरह के एनोमली के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद जीनोम जीनोम सिक्वेंसिंग प्रोजेक्ट जो है उसको लेकर के आया है हुआ आर्टिकल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं अभी। देखिए जीनोम क्या होता है, एक तरह की जेनेटिकली एंटायरली जेनेटिकली डीएनए का वो होता है, रेसिडेंस होता है न्यूक्लियस में। इसके बाद ये कंसिस्ट करता है मल्टीपल टाइप्स के, और आपको जो कि हेल्प करता है आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी को और चीज़ों को करने के लिए। इसके लिए एक जीनोम प्रोजेक्ट सिक्वेंसी ह्यूमन इंडिया ह्यूमन जीनोम प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उससे ये होगा कि हम 10,000 लोगों का करेंगे। ये अप्रोक्सीमेटली 7,000 लोगों का हम लोग कलेक्ट कर लिए हैं, 3,000 लोग और बाकी हैं उनका करके सैंपल डिफरेंट डिफरेंट रीजन से हम उनका सिक्वेंसिंग। उससे क्या होगा, जैसे कोई हेल्थ डिसऑर्डर वगैरह है तो उस चीज़ों को हम जो कि उसको अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी ना एक बिल लाई है जो गिग वर्कर को एक सोशल कोड के रूप में उनको प्रोटेक्शन करेगी इस तरह के, क्योंकि बहुत से इशू आते हैं कि जो गिग वर्कर होते हैं उनको जो है कि एक्सप्लॉयट किया जाता है। अब गिग वर्कर का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप अगर बात करते हैं, जैसे आप ऑनलाइन क्या करते हैं, जोमेटो स्विगी बिग बास्केट वगैरह, जैसे कि आप क्या करते हो फूड डिलीवरी बॉय को या फिर जो कुरियर डिलीवर करते हैं उनको ऑर्डर करते हैं और विद इन टाइम के अंदर जो कि डिलीवर कर देते हैं, ठीक है, उस तरह के जो कि इनको गिग वर्कर के नाम से जानते हैं। हमने कई बार डिस्कस भी किया है, तो आई थिंक नो नीड टू डिस्कस हियर। अभी देखिए डिफेंस मिनिस्ट्री के एसईओ जो कि मीटिंग होने वाली है, आगे होगी तो हम आगे और डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद राहुल गांधी का जो डिफामेशन केस हुआ था, अब ये गुजरात हाई कोर्ट में अपील करेंगे, सूरत हाई कोर्ट ने उनका स्टे करने से मना कर दिया। अब आगे देखते हैं क्या होता है सीन, आगे क्या है पिक्चर, अभी बाकी है सर। ऑयल प्राइस एलिनो जो हमने पहले डिस्कस किया कि वो अपना खुद पीठ थपथपाते हैं, बाद में अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट जाते हैं। तो ये हम आज जो कि 26 अप्रैल 2023 का जो कि डिस्कस किए फ्रेंड्स, और आई होप कि आल ऑफ यू एंजॉय माय वीडियो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इंडियन एक्सप्रेस और दहेजों का तो नोट ऑन नीट गेट जो कि बॉक्स में, वहाँ पर जाकर के आप अपलोड कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। और आने वाले समय में आप अटैच रहिए, जरूर कॉमेंट्स करिए इस मतलब कमेंट बॉक्स में कि जो मैं और क्या इसमें रिफॉर्म कर सकूं, उससे मैं मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए और बेनिफिट हो, और किस तरह से मैं और जो कि एक्सप्लेन करूं, क्या मैं अच्छा एक्सप्लेन कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही, और थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।